हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अवधेश सिंह आपका अवधेश एकेडमी पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज की दुनिया में एक बहुत बड़ी समस्या है, वो है वर्क लाइफ बैलेंस की, कि हम कैसे अपने परिवार और कैसे जो हमारा जो वर्क प्लेस है, प्रोफेशन है, उसके बीच में एक बैलेंस बना के रखें। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो काम में इतना मशगूल हो जाते हैं कि परिवार के बारे में ध्यान नहीं होते हैं, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो परिवार के बारे में इतना कंसर्न रहते हैं कि वो अपने कैरियर में, अपने प्रोफेशन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो हम कैसे जो है वर्क लाइफ बैलेंस को क्रिएट करें, इस पे आज हम चर्चा करेंगे। तो आज हम कुछ ऐसे 7 टिप्स के बारे में बात करना चाहते हैं, 7 ऐसी चीजों के बारे में बात करना चाहते हैं, प्रिंसिपल्स के बारे में बात करना चाहते हैं, जिसको अगर आप अपनाएं तो आप अपने वर्क में और लाइफ में बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों, पहली इंपॉर्टेंट चीज है ये समझना कि जो हमारी जिंदगी की जो सफलता है उसके बहुत सारे पैमाने होते हैं, मल्टीपल पैरामीटर्स ऑफ सक्सेस। जैसे आप बोर्ड का एग्जाम देते हैं तो आपके 5 पेपर्स होते हैं या 6 पेपर्स होते हैं, साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, सोशल साइंसेस हो गया। अब मान लीजिए कि आप 4 पेपर में तो 100 में से 100 नंबर ले आए, लेकिन 1 पेपर में आप फेल हो गए, 50 नंबर की जगह आपके 20 नंबर आए, क्या होगा? क्या आप अगले साल प्रमोट किए जाएंगे? नहीं किए जाएंगे। क्योंकि हमें 2 चीजें देखिए ध्यान रखनी, एक तो हमारा ओवरऑल स्कोर अच्छा होना चाहिए और दूसरा हमें किसी सब्जेक्ट में फेल नहीं होना चाहिए, तभी हम जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। तो अगर आपने जिंदगी में बड़ी ऊंची सफलताएं प्राप्त कर ली, बहुत पैसा कमा लिया, बहुत ऊंची पद पे पहुंच गया, लेकिन आपका जो पारिवारिक जीवन है वो पूरी तरीके से टूटा हुआ है, तो ऐसी सिचुएशन में आप अपने को कभी खुश महसूस नहीं करेंगे, ऐसे लोग बड़े फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। तो हमें यह समझना है कि अगर जिंदगी के 5 पेपर्स हैं तो हमें हर पेपर में अच्छा स्कोर करना है, और परिवार एक बड़ा ही जिंदगी का इंपॉर्टेंट हिस्सा है। आपकी पत्नी, पति या आपके बच्चे, आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स, आपके बॉसेस, आपकी प्रोफेशनल सक्सेस, ये सारे एक ऐसे पैरामीटर्स हैं जिसको हमें ऑप्टिमाइज करना चाहिए, जिसको कि हमें बेस्ट से बेस्ट करने की ओवरऑल कोशिश करनी चाहिए, बजाय इसके कि हम सिर्फ एक साइड में फोकस करें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है, बहुत से लोग ऐसा समझते हैं कि अगर हम परिवार पर ज्यादा ध्यान देंगे तो हम काम कैसे करेंगे। बहुत से लोग ऐसा समझते हैं कि जिंदगी जो है जीरो सम गेम है, क्योंकि यहां पर कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ऐसा नहीं है, बहुत सी चीजें एक दूसरे का सहायक होती हैं और आप दोनों चीजें एक साथ पा सकते हैं। जैसे कि अगर आपकी घरेलू जिंदगी बहुत अच्छी है तो आप बड़े शांत हैं, आप खुश रहते हैं, तो आपकी जो एक प्रोफेशनल लाइफ है वो भी बहुत अच्छी होगी, क्योंकि वहां पे आप ज्यादा से अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। और जब आपकी प्रोफेशनल लाइफ अच्छी होती है तो आपकी घर की लाइफ भी अच्छी हो जाती है, क्योंकि घर पे आप ज्यादा सक्सेस पाते हैं प्रोफेशनल लाइफ में, ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, ज्यादा आपका दिल प्रसन्न रहता है तो आप घर पे भी ज्यादा फोकस कर पाते हैं। तो इस तरीके से एक वर्चुअल साइकिल क्रिएट होती है, क्योंकि अच्छा घरेलू लाइफ है तो अच्छी प्रोफेशनल लाइफ, और अच्छी प्रोफेशनल लाइफ तो अच्छी घर की लाइफ है, और इस तरीके से आपका जो खुशी है वो मल्टीप्लाई होता रहता है। दूसरी साइड में अगर मान लिया घर की लाइफ आपकी खराब है तो उसका असर आपके प्रोफेशनल लाइफ पे पड़ता है, वहां आपकी परफॉर्मेंस डाउन होती है। जब वहां परफॉर्मेंस डाउन होती है तो आप फिर घर पे चिड़चिड़ाते हैं, घर पे आप गुस्सा निकालते हैं, तो घर की लाइफ और खराब होती है। इस तरीके से विशेष साइकिल में पड़ जाते हैं और चीजें बद से बदतर होती चली जाती हैं। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि जो आपकी पर्सनल लाइफ है उससे आपकी प्रोफेशनल लाइफ भी इंप्रूव होती है, घरेलू जो आपकी जिंदगी है वो आपके प्रोफेशन है उस पर भी असर डालती है, और दोनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, एक की जगह पे दूसरी जगह नहीं आती है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है दोस्तों कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको आपने देखा होगा कि उनकी कोई हॉबी नहीं होती, वो सिर्फ काम 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 के बारे में सोचते हैं, वो वर्कहोलिक हो जाते हैं। वो जैसे कि अगर आपको मान लिया कि अगर आपको कहा जाए कि आप एक पैर पर खड़े हो तो आप कितनी देर तक खड़े रह सकते हैं? नहीं रह सकते बहुत देर तक। लेकिन अगर आपको 2 पैर पर खड़े हो तो आप बहुत देर तक खड़े रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक पैर जब थक जाए तो दूसरे पे आप सपोर्ट ले रहे हैं, दूसरा थक जाए तो पहले पे सपोर्ट ले रहे हैं, और इस तरीके से आप बहुत देर तक खड़े रह सकते हैं। उसी तरीके से आपको चाहिए कि जिंदगी में आप अपनी हॉबी डेवलप करें, जो भी आपको पसंद हो, चाहे आपको लिखना पसंद हो, पढ़ना पसंद हो, खेलना पसंद हो, गाने पसंद हो, गाने पेंटिंग पसंद हो, कुछ भी एक हॉबी होनी चाहिए जो कि सिर्फ आप अपनी खुशी के लिए करें। जब आपके पास एक हॉबी होगी और पैशन होगा तो आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में बैलेंस ऑटोमेटिकली आ जाएगा, क्योंकि आप अपनी खुशी के लिए केवल ऑफिस पे आप निर्भर नहीं है, आपके पास एक ऐसा माध्यम है जो कि आपको किसी भी कंडीशन पे खुशी दे सकता है। तो आप 2 पैर पे खड़े रहेंगे, आप जिंदगी में कभी थकेंगे नहीं, जिंदगी में कभी आप दुखी नहीं होंगे। चौथी इंपॉर्टेंट चीज है कि जिंदगी में हमको एक रूटीन फॉलो करने की जरूरत है। देखिए, परिवार के लिए आपका एक शेड्यूल होना चाहिए, हमें जैसे कि अपने
वाइफ के साथ में, बच्चों के साथ में, एक घंटे दो घंटे किसने किस समय पे हमें देने हैं, वीकेंड पे हमें इतना समय देना है, रोज हमें इतना समय देना है, डेली जहां तक संभव हो एक शेड्यूल बनाएं जिसके अंदर आपका टाइम फिक्स हो कि आपको इतने समय पे ऑफिस जाना है, इतने समय पे घर आना है, इतने समय आपको परिवार के साथ बैठना है, और उस शेड्यूल को आप जहां तक हो सके फॉलो करें। क्योंकि जब शेड्यूल नहीं होता तो हम एक काम में लग जाते हैं, भूल जाते हैं कि हमारी और भी चीजें हैं, लेकिन जब हमारे पास शेड्यूल होता है तो हमें मालूम है कि इसका समय खत्म हो गया, हमें दूसरे पे जाना है। तो इसलिए जिंदगी में आप एक शेड्यूल फॉलो करें और हर चीज जो भी आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट है उसमें अपने समय को बांटें, और जब आप समय को बांटेंगे तो आप देखेंगे कि हर चीज को आप प्रॉपरली बैलेंस कर पाएंगे। पांचवी बड़ी एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल मैं आपको बताना चाहता हूं, जिसको कहते हैं, बड़े वर्ड में फेमस है, पैरेटो प्रिंसिपल या 80-20 प्रिंसिपल, 80-20 प्रिंसिपल। इसका मतलब यह होता है कि जिंदगी में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप देखेंगे तो आप वहां पे जो 80% जो परफॉर्मेंस होती है वो 20% लोगों के द्वारा आती है, या 20% प्रोडक्ट्स जो होते हैं उस कंपनी के, 20% सर्विसेज होती हैं वो 80% प्रॉफिट देती हैं। इसी तरीके से आप चाहे जो भी जिंदगी में काम करते हैं, ये 80-20 प्रिंसिपल मोर और लेस हर जगह वैलिड रहता है। आप ऑफिस में जो 80% आपका जो सफलता होती है या जो कामयाबी होती है, जो रिजल्ट होता है, वो सिर्फ 20% एफर्ट से आता है, और जो 80% एफर्ट होता है उसका जनरली 20% तक ही रिजल्ट रहता है। तो क्यों ना हम जो 80% काम जो कि हमें सिर्फ 20% रिजल्ट देता है उसको हम डेलीगेट कर दें, उसको दूसरे लोगों से करवाएं जो कि उस काम को बेहतर कर सकते हैं या नहीं भी बेहतर कर सकते हैं। तो अगर हम उसको दूसरे लोगों पर डेलीगेट कर देंगे, दूसरे लोग उस काम को करेंगे, और हम फोकस उस काम 20% पे करेंगे जो हमें 80% रिजल्ट देते हैं, तो नेचुरली हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो कई गुनी बढ़ जाएगी। तो ये हमें देखना पड़ेगा कौन से ऐसे काम है जो हमें बहुत ज्यादा रिजल्ट नहीं देते हैं, और कौन से ऐसे काम है जो बहुत ज्यादा रिजल्ट देते हैं, हम उस पर फोकस करें जो कि हमें बहुत ज्यादा रिजल्ट देते हैं। छठा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जिसको हम कहते हैं पार्किंसंस लॉ। पार्किंसंस लॉ का मतलब ये होता है कि अगर कोई आपके पास में काम है तो वो काम जो है वो, और किसी समय में आपको उसको पूरा करना है, तो ये काम है ऑटोमेटिकली एक्सपेंड कर जाता है उस समय को पूरा करने के लिए। कहने का मतलब ये है कि मान लिया आपको कोई काम दिया गया और कहा गया अभी तुम्हारे पास एक हफ्ते का समय है, तो आप बड़े आराम से उस काम को करेंगे। हो सकता है कि शुरू के एक दो दिन कोई काम ना करें, आखिर के ही दो तीन दिन काम करेंगे, या फिर आप इतना बड़ा उस काम को कर देंगे कि वो काम इतना बृहद हो जाएगा कि वो अपनी इंपॉर्टेंस को लूज कर जाएगा। अगर आपको वही काम कहा जाता है कि आप एक दिन के अंदर करके दें, तो आप उस पर लग जाएंगे और मेहनत से काम करेंगे और उसको बढ़िया काम प्रोड्यूस करेंगे और एक दिन में भी पूरा कर सकते हैं। और वही मैं कहूं इसको 4 घंटे में करना, तो आप 4 घंटे में भी कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आप अपने को टारगेट देते हैं तो टारगेट होना चाहिए टफ, ताकि आप उसको एक चैलेंज की तरह लें और कम से कम समय में पूरा करें। अगर आपके ऑफिस में आप ये मान के चलेंगे आपके पास 8 घंटे नहीं है काम करने के लिए, बल्कि सिर्फ 4 घंटे काम करने के लिए हैं, और आपको उस 4 घंटे में सारा काम पूरा करना है, तो आप 4 घंटे में कर सकते हैं। और अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके पास जो बाकी 4 घंटे हैं उससे आप बेहतरी के लिए, ऑफिस के फ्यूचर के लिए, या अपने किसी और काम के लिए लगा सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि हम काम कम से कम समय में पूरा करने की कोशिश करें, स्मार्टली काम करें, बजाय इसके कि हार्ड वर्किंग बने। आखिरी जो चीज है, 7वीं चीज जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि वर्क लाइफ बैलेंस के लिए बड़ी जरूरी है, उसको हम कहते हैं बैकअप ऑप्शंस क्रिएट करना। मैंने देखा कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि अपने काम से बड़े दुखी रहते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशंस में। बॉसेस अच्छे नहीं है, सबॉर्डिनेट अच्छे नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन अच्छी नहीं है, पे अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपना काम छोड़ नहीं जाते। क्यों नहीं छोड़ने जाते? क्योंकि उन्होंने कोई ऑप्शन क्रिएट नहीं किया। वो दुखी तो है लेकिन ये नहीं जानते कहां जाएं। पुश फैक्टर है लेकिन पुल फैक्टर कोई नहीं है। तो इसलिए जरूरी है कि आप जिंदगी में अपने ऑप्शंस को क्रिएट करें। जैसे कि जब मैंने पीएचडी की तो उसके बाद मुझे कॉन्फिडेंस था कि मैं जब चाहूं अपनी नौकरी छोड़ करके टीचिंग प्रोफेशन में जा सकता हूं, प्रोफेसर बन सकता हूं। उसके बाद में मेरी जो डिपेंडेंस है अपने ऑर्गेनाइजेशन पे वो काफी हद तक कम हो गई। तो हमें अल्टरनेटिव ऑप्शंस के बारे में सोचते रहना चाहिए, अपनी एबिलिटीज को बढ़ाना चाहिए, नए कोर्सेज करने चाहिए, ताकि अगर जरूरत पड़ती है तो हम अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर सकें, अपना कुछ शुरू कर सकें और अपने हिसाब से जिंदगी जी सकें। जब तक ये ऑप्शंस आप क्रिएट नहीं करेंगे तब तक आप अपने को ट्रैप्ड महसूस करेंगे, फंसा हुआ महसूस करेंगे और दुखी महसूस करेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों आपने देखा कि अगर हम इन 7 टिप्स को जो मैंने यहाँ पे डिस्कस की हैं, अगर हम इसको फॉलो करते हैं तो हम अपनी जिंदगी में वर्क को और लाइफ को, प्रोफेशनल लाइफ को, पर्सनल लाइफ को पूरी तरीके से बैलेंस कर सकते हैं
और जिंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप किसी काम करते हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच मेरा वीडियो देखने के लिए। अपने व्यूज़ को शेयर करें और इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।